चातुर्मास भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए लगभग 4 माह तक किए जाने वाला व्रत है। चातुर्मास की शुरुआत आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवशयनी एकादशी के दिन से होती है, जो कि कार्तिक शुक्ल एकादशी तक रहती है। मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु पूरे 4 माह के लिए योग निद्रा में सो जाते हैं। इन्हीं 4 माह के समय को चातुर्मास या चौमासा कहा जाता है। हिंदू धर्म में चातुर्मास का बहुत महत्व है। चातुर्मास में कोई भी मांगलिक कार्य करना, जैसे कि शादी विवाह, जात कर्म, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य आदि हिंदू धर्म से जुड़े हुए सभी 16 संस्कार करना वर्जित होता है, लेकिन ध्यान, पूजा, अर्चना और साधना के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। चातुर्मास में या चौमासा में सावन, भादपद या भादों, अश्वनी जिसे हम क्वार भी कहते हैं और कार्तिक, इन 4 माह को शामिल किया जाता है। चातुर्मास में व्यक्ति को कई नियमों और कर्मों का पालन करना पड़ता है, जो कि सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत जरूरी होते हैं। इस बार 2022 में चातुर्मास की शुरुआत 10 जुलाई से हो रही है, जो कि 4 नवंबर तक रहेगी। अब प्रश्न उठता है, जब चातुर्मास के दौरान श्रीहरि अपनी योग निद्रा में सो जाते हैं तो इस सृष्टि का कार्य कौन करता है? हिंदू पांचांग के अनुसार चातुर्मास का पहला महीना श्रावण मास का होता है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। सावन मास में शिवजी की विधि विधान से पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है। साथ ही इस महीने में पड़ने वाले सोमवार का व्रत रखने वाले व्यक्तियों को भी भोलेनाथ की खास कृपा प्राप्त होती है। इसी माह में हम हरियाली तीज और नाग पंचमी जैसे त्यौहार भी मनाते हैं। चातुर्मास का दूसरा महीना होता है भाद्रपद या भादों का महीना। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद में भगवान गणेश और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस माह में गणेश उत्सव और कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई जाती है और साथ ही राधा अष्टमी का जन्मोत्सव भी इसी महीने में मनाया जाता है। अश्विन मास में दुर्गा माता की पूजा और उपासना को बहुत महत्व दिया जाता है। इस महीने में दुर्गा माता के शारदीय नवरात्रि के दौरान खास पूजन और व्रत का विधान है। नवरात्रि में 9 दिनों तक भक्तजन माता की चौकी और कलश स्थापित करके सुबह शाम माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं। फिर 10वीं तिथि पर व्रत का पारण करके कलश का विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि, दुर्गा पूजा, ये त्यौहार इसी महीने में मनाए जाते हैं। और अब बारी आती है कार्तिक मास की। कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तक चातुर्मास रहता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागकर पुनः सृष्टि का कार्यभार अपने हाथों में ले लेते हैं। देवउठनी एकादशी के साथ ही शादी विवाह और अन्य मांगलिक कार्यक्रमों की दोबारा शुरुआत हो जाती है। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को हम दीपावली मनाते हैं और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी माह में अन्य त्यौहार जैसे कि धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।